शिमला जिले के रामपुर बुशहर में आयुर्वेद के साथ साथ यूनानी होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के विशेषज्ञ शिविरों के माध्यम से लोगों तक चिकित्सा पारंपरिक चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाएंगे। इसे लेकर आयुष उपमंडल रामपुर के तहत फूंजा पंचायत में 20 व दत्त नगर पंचायत में 21 मार्च को शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस निःशुल्क चिकित्सा शिविर में क्षार रोग जिसने बवासीर आंख नाक कान गला आदि तमाम बीमारियों की जांच होगी। कोविड 19 के मापदंडों का पालन करते हुए शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस बात की जानकारी देते हुए उपमंडल आयुष चिकित्सालय अधिकारी डॉक्टर दिनेश ने बताया कि पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को आम लोगों तक पहुंचाने व उनका लाभ बताने के लिए ऐसे शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। उपमंडलीय आयुष चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दिनेश ने बताया कि 20 और 21 मार्च को फूंजा और दत्तनगर पंचायत में जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आयुर्वेद के साथ यूनानी होम्योपैथी के चिकित्सक शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि कोविड गाइडलाइन का शिविर में पूरा ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके अलावा रामपुर चिकित्सालय में आईपीडी और रात्रि सेवा भी शुरू की जाएगी। पहले कोविड 19 के चलते ये सेवा बंद कर दी गई थी। सभी से अनुरोध है कि इसमें जो इन बीमारियों से संबंधित लोग हैं और जो लग चिकित्सा पद्धति से, क्योंकि अभी तक यूनानी होम्योपैथी का ट्रीटमेंट यहाँ रामपुर में या इस तरीके का कैंप अभी तक यहाँ नहीं हुए हैं, तो उसका भी फायदा उठाएं और इसी के साथ साथ आंख नाक कान गला इसके भी विशेषज्ञ आएंगे, तो एक पहल है रामपुर के अंदर। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इसमें आप आएं और जो आवश्यक आपका जो ट्रीटमेंट है, उपचार है और जो निदान है, वो सारा फ्री किया जाएगा। सीनियर डॉक्टर यहाँ पर अभी 2-3 दिन पहले ज्वाइन किए हैं और वो जो हैं वो विशेष करके एक जो मैं आपको बता रहा था पाइल्स और फिशुला, उसका ट्रीटमेंट अच्छे तरीके से करते हैं। तो लोगों को ये सुविधा जो है यहाँ पर अब जो है बड़ी जल्दी इसको सिस्टम में हम लाएंगे और शुरू हो जाएगा। इसी के साथ साथ फिर योग और नेचुरोपैथी में भी हम, जैसे मौसम अब खुल गया है, उसमें भी कोशिश करेंगे। कोविड 19 के कारण लोगों की इम्यूनिटी बॉडी में बड़ी कम हो जाती है, जैसा सभी जानते हैं। योग का एक बहुत बड़ा और नेचुरोपैथी का एक बहुत बड़ा आज के समय में एक रोल आया है, एक उभर के चिकित्सा पद्धति सामने आई है। तो इसके माध्यम से कैसे रोगों से बचा जाए, तो उस बारे में भी हम कैंप के माध्यम से भी लोगों को जानकारी देंगे और अस्पताल में भी इस सुविधा का लोगों को फायदा देंगे। और ये अगर हमारे कैंप अच्छे रहे, लोगों को यूनानी चिकित्सा पद्धति या होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति का अच्छा अगर उनका विश्वास बनता है, तो हिमाचल प्रदेश सरकार और आयुर्वेद विभाग से फिर मैं अनुरोध करूँगा कि कम से कम महीने में हम 2 बार जो हैं अपने आयुर्वेदिक अस्पताल में ही उन विशेषज्ञों की सेवाएं नियमित रूप से लोगों के दिन ही फिक्स कर देंगे कि उस दिन आकर के वो उन लोगों का उपचार कराएं।